एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई लाल महल से उदास मन से कोंडाणा की ओर देख रही थी। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनसे पूछा तब उन्होंने कहा कि कोंडाणा पर लहराती हरी पताका उनको बेचैन कर रही है। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने दरबार में पूछा कि कोंडाणा पर आक्रमण करने के लिए कौन जाएगा। तब सभी किलेदार और सरदार खामोश हो गए, लेकिन तभी तानाजी मालुसरे ने कहा कि मैं जीतकर लाऊंगा कोंडाणा। उस समय तानाजी के पुत्र के विवाह की तैयारियां चल रही थी, लेकिन तानाजी ने उस महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर छत्रपति शिवाजी महाराज की इच्छा को पूरा करने के लिए कोंडाणा पर आक्रमण करने का सोच लिया। तानाजी ने अपने 342 सैनिकों के साथ मुगलों के 5000 सैनिकों पर आक्रमण कर लिया। जब उनका युद्ध में एक हाथ कट गया फिर भी उन्होंने युद्ध करना जारी रखा और उदयभान जैसे मुगल को मारकर कोंडाणा पर कब्जा कर लिया, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के कारण तानाजी वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था, गढ़ आला पण सिंह गेला, यानी किला तो जीत गए लेकिन तानाजी नहीं रहे।